बेल्टोन स्पीड टेस्ट के अंतर्गत आज का पीडीएफ पेपर है 27/11/2019 का, और इसका टाइमिंग है 12 से 1, यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर। और लगभग अभी तक हम लोग 14 वीडियो बना चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वह वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीनी भाषा के संबंध में सही है। मशीनी भाषा के संबंध में ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा कि यह एक निम्न स्तर का भाषा है। अगला प्रश्न है कि यह जांचने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर एक ऐसी प्रक्रिया या फिर कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है जो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है, और हम उस कार्य को समाप्त करने के लिए हमें खाली जगह पर जाने की आवश्यकता होगी। खाली जगह पर जाने की आवश्यकता होगी, तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है ऑप्शन 4, टास्क मैनेजर में यानी कार्य प्रबंधक में जाने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में किसी स्तंभ का आकार बढ़ाने या फिर घटाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले स्तंभ का चयन करेंगे। इसका उत्तर इस प्रकार है ऑप्शन 3, सबसे पहले स्तंभ का चयन करेंगे और फिर होम टैब में जाएंगे, और होम टैब के बाद सेल्स में, और सेल्स के बाद फॉर्मेट में, और फॉर्मेट के बाद सेल्स साइज में, और सेल्स साइज के बाद कॉलम्स विड्थ में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में चयनित पाठ के फॉन्ट आकार को बढ़ाने का शॉर्टकट कमांड क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, Ctrl+ > अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट को सक्रिय या फिर निष्क्रिय करने का शॉर्टकट खाली जगह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, Ctrl+Shift+ > सुपर स्क्रिप्ट के लिए, और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+ Ctrl+Shift+ अगला प्रश्न है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इनमें वेब सर्वर पर होस्ट की गई फाइलों या फिर प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृष्ठ विराम के भाग नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, टेक्स्ट रैंपिंग जो है वह विकल्प पृष्ठ विराम का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूलाज मेनू में निम्नलिखित में से कौन एक तार्किक या फिर लॉजिक फंक्शन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, डेट जो है वह लॉजिक फंक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में ई पोस्टेज का विकल्प खाली जगह से चुना जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, सबसे पहले मेलिंग और फिर उसके बाद लेबल्स और लेबल्स के बाद ई पोस्टेज। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल के पृष्ठ लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन वैध पृष्ठ आकार नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, लैंडस्केप जो है वह वैध पृष्ठ आकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट उपकरण नहीं है, तो इसका उत्तर होगा स्पीकर जो है वह इनपुट उपकरण नहीं है, लेकिन माइक्रोफोन इनपुट उपकरण है, और जॉयस्टिक इनपुट उपकरण है, और स्कैनर भी इनपुट उपकरण है। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 के दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3,
उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में लॉक सेल विकल्प किस मेनू या फिर टैब में होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, होम टैब में होता है। अगला प्रश्न है कि कंपाइलर का प्रयोग खाली जगह परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो उच्च स्तरीय भाषा कोड को मशीनी भाषा में करने के लिए किया जाता है कंपाइलर का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल्ड मर्ज में हम मेरे लेबल यानी माई लेवल्स में ग्राफिक या फिर लोगो कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर पर क्लिक करके। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में पाठ का रंग बदलने के लिए निम्न विकल्पों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, फॉन्ट कलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सही आईपी पता नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, जो दिया गया है वह सही आईपी पता नहीं है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए ऑप्शन 4, न्यू का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का आईपी पता बदलने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प पर राइट क्लिक करना होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, माई नेटवर्क पैलेस पर क्लिक करना होगा। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में निम्न मेनू से हम स्प्रेडशीट जोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, इंसर्ट के बाद टेबल पर। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, फॉन्ट रंग बदले या उपलब्ध सेटिंग नहीं है। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ा जा सकता है? तो इसका उत्तर है इंसर्ट मेनू से वर्ड आर्ट प्रतीक को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेजों को दिखा रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4, मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत और मर्ज किए गए दस्तावेज, ये सब मुख्य दस्तावेज को दिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि एक समूह में 5 आइटम है और जिनमें से प्रत्येक समूह के कुल मान के लिए कुछ मान का योगदान करते हैं और प्रत्येक आइटम का योगदान को प्रतिशत में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, पाई चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है कि IBM 360 खाली जगह का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का यह एक प्रकार है। अगला प्रश्न है कि अ पर्सन इज वर्किंग ऑन 2 एमएस एक्सेल वर्कबुक्स सिमुलेटेनियसली, ही वांट बोथ वर्कबुक्स इन सिंगल विंडो टू कंपेयर, देन विच फंक्शन इज यूज टू डू सो? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 2 एमएस एक्सेल पर काम कर रहा है और साथ ही वह चाहता है कि दोनों कार्य पुस्तिका एकल विंडो पर कंपेयर करे, तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, अरेंज ऑल द व्यू टैब पर जा कर के वह ऐसा करेगा। अगला प्रश्न है कि पंजी रजिस्टर्ड यानी कि निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, प्रोसेसर का यह भाग है। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में एक तलिका यानी सेल मर्जिंग को किस मेनू से चुना जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा लेआउट मेनू से चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्लाइड सॉर्टर दृश्य में निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य चयनित स्लाइड के साथ नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर होगा नई स्लाइड को जोड़ना, ऑप्शन 1 इसका उत्तर है सही। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में MIN यानी मिनिमम फंक्शन का प्रयोग क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य है कि चयनित डेटा में न्यूनतम मान की गणना करना, मिनिमम का। अगला प्रश्न है
कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट या फिर आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि विंडोज में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफ़ॉल्ट स्थान खाली जगह है, तो इसका उत्तर होगा सी, प्रोग्राम फाइल में। अगला प्रश्न है डिफ़ॉल्ट स्थान सी, प्रोग्राम फाइल में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया है और समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन करना है, तो एक्सेल में इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, होम मेनू में सॉर्ट। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन यूजिंग द फॉर्मेट सेल? ऑप्शन ऑफ होम टैब टू प्रोटेक्ट द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2016। तो एमएस एक्सेल 2016 की सुरक्षा के लिए निम्न कार्यों में से कौन सा होम टैब के प्रारूप सेल विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, प्रोटेक्ट शीट के साथ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 के होम मेनू में डिलीट टैब का उपयोग करके कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? तो फाइल के हटाने का कार्य नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय या फिर लोकल ड्राइव और सर्वर स्थान यानी स्पेस से बड़ी डेटा फाइल के परस्पर स्थानांतरण के लिए निम्न में से कौन सा समर्पित यानी डेडिकेटेड प्रोटोकॉल है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में किस फंक्शन के द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, रिव्यू मेनू में जाएंगे और उसके बाद चेंज समूह में और उसके बाद प्रोटेक्ट सीट में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि जब हम विंडोज ओएस पर काम करते हैं तो स्क्रीन या फिर डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी या फिर बार को जहां इस सिस्टम की तारीख और समय दिखाई देता है क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, कार्य पट्टी यानी टास्क बार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइडों के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1, ट्रांजिशन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में रैप टेस्ट कमांड का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, अतिरिक्त लंबे पाठ को कई पंक्तियों में समायोजित करना और जिससे आपको पूरा पाठ दिख सके, इसका यही काम है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि एक कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग तरह के वस्तुओं की पेशकश करती है और बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है और पर्यवेक्षक तुलना करने के लिए सभी स्लाइडों के एक विंडो में देखना चाहता है और बिक्री प्रबंधक को निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा फाइल सॉर्टर दृश्य हमें किसी फोल्डर में या फिर फाइल नाम के साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जानने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, डिटेल्स। अगला प्रश्न है कि फर्मवेयर निम्नलिखित में से किस में संग्रहित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल पठनीय स्मृति यानी रीड ओनली मेमोरी में, रोम में, ऑप्शन 1 होगा रोम। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 कार्य पुस्तिका में किस टैब या फिर मेनू का उपयोग कर एक नए पत्रक यानी सीट को जोड़ा जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा होम टैब। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में फिर से करें यानी रीडू दोहराए कार्रवाई सॉर्टर क्या होगा? इसका शॉर्टकट की क्या होगा रीडू का? तो रीडू का शॉर्टकट की है Ctrl+Y, ऑप्शन 2 इसका उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एमएस एक्सेल का एक सही कक्षा पता या फिर सेल एड्रेस नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3, F4F जो है वह सही उत्तर नहीं है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन तीन ऑब्जेक्ट जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है। अगला प्रश्न है कि मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स यानी सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं, तो हाँ हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में केवल पार्ट टाइप कर सकते हैं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन दो। अगला प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन होम टैब का एक फंक्शन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा स्लाइड डिजाइन जो है वह होम टैब का फंक्शन नहीं है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग उपयोग के द्वारा दस्तावेजों की मौलिकता की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा MICR माइकर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो VLC मीडिया। अगला प्रश्न है कि इफ अ फार्मूला इज कॉपीड फॉर वन सेल टू अनदर देन विच सिंबल इज यूज टू अब्सोल्युटली सेल रिफरेंसिंग इन MS Excel, कहता है कि अगर एक फार्मूला एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है तो जो प्रतीक MS Excel में निरपेक्ष सेल के रिफरेंस के लिए उपयोग करता है वह क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन दो डॉलर का साइन होगा। अगला प्रश्न है कि MS Excel में 20 कंपनियों का डेटा है जो कंपनी का नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है और कंपनी को उत्पादित इकाइयों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, कंपनी के नाम से वर्णमाला क्रम में डेटा के व्यवस्थित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन दो सॉर्ट। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में बुलेट और संख्यांकन फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक संख्यांकन विकल्प का उपयोग करके हम चयनित डेटा के अक्षर निर्दिष्ट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की गलतियां की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामर चेक के लिए फंक्शन 7 बटन F7 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में एक नई सेल मर्ज सूची बनाने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीन सबसे पहले रिव्यू में जाएंगे और उसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में और फिर टाइप न्यू लिस्ट में। अगला प्रश्न है कि एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को MS Excel 2016 कार्य पुस्तिका में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थों के कार्य पुस्तिका दिखाना चाहता है लेकिन चाहता है कि वह उस कार्य पुस्तिका केवल पढ़ सके, उसमें कोई परिवर्तन न कर सके, उन्होंने निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो फाइल मेनू के उप मेनू यानी प्रोटेक्ट वर्कबुक में मार्क एज फाइनल का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 24 कक्षों 4 पंक्तियों और 6 स्तंभ में छात्रों के अंकों का एक अवयव यानी मैट्रिक्स है, केवल 4 कक्षों और 4 पंक्तियों और 1 स्तंभ का एक नया अवयव बनाने के लिए सभी पंक्तियों के सभी 6 स्तंभों को मिलाना मर्ज करना है, इसके लिए MS Excel में कौन सी कमांड उपयोग होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन दो मर्ज सेल का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा डायल अप।